नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ तिल की चिक्की, यानी कि तिल की गचक भी बोलते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, इसको घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। 1/4 कप मैंने तिल लिए हैं धुले हुए, 1 कप चीनी, 2 टीस्पून देसी घी, थोड़ा सा मैंने लिया इलायची पाउडर और थोड़े से लिए पिस्ते गार्निश के लिए। सबसे पहले गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देते हैं। इसके अंदर तिल को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे और इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो तिल को हमको थोड़ा ही भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये फूलने लगे थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं भूनना वरना ये कड़वे हो जाते हैं। तिल हमारे भुन चुके हैं और थोड़े साइज में भी बड़े हो गए हैं, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को ऑन कर दिया है और गैस पर हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है, हैवी बॉटम कढ़ाई। इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी को डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाती, और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें से हम 1 ड्रॉप पानी में डालकर देखेंगे। हम पानी ले लेते हैं तो 1 ड्रॉप डालते हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल कड़क हो गई है, तो इसका मतलब है हमारी गजक के लिए चाशनी तैयार है। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देते हैं, थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं और थोड़े से पिस्ते हम गार्निश के लिए रखेंगे। अब धीरे धीरे करके हम तिलों को भी डाल देते हैं और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये प्रोसीजर हमको जल्दी से करना है, बिल्कुल फास्ट करना है, वरना ये जम जाएगी गजक इसी में कढ़ाई में, तो हमको जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो चिक्की को थाली के ऊपर भी बना सकते हैं, थाली के ऊपर घी लगाकर, या आप किसी बोर्ड पे भी बना सकते हैं। तो मैं एक बोर्ड ले रही हूँ और उस पर मैं थोड़ा सा घी लगा लूंगी, तो बोर्ड के ऊपर मैं सारा मिश्रण डाल दूंगी। तो उनसे हम इसको छोड़ा देंगे, एक ही साथ बनाना है हमको। थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ते डाल देंगे और इसको हम गरम गरम ही बेलेंगे। तो मैं इसके ऊपर पॉलिथीन लगा रही हूँ, आप चाहें तो बेलन पर घी लगाकर ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर पॉलिथीन लगाकर बेल रही हूँ। तो इसको हम एक जैसा बेलेंगे चारों तरफ से। तो हमारा ये बिल्कुल तैयार है। अब इस वैसे पॉलिथीन को हटा देते हैं और हम गरम गरम में ही कट के निशान लगाएंगे, वरना ये जम जाएगी बहुत जल्दी, कटेगी नहीं अच्छे से। जिस तरह के हम पीस चाहेंगे उस तरह के नहीं बनेंगे, तो हम इनमें कट के निशान लगा देते हैं। और 1 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। 1 मिनट के बाद हमारी ये चिक्की जमकर तैयार हो जाएंगी। तो हम साइड की निकाल लेंगे, पहले देख सकते हैं कितनी कड़क बनी है। इस तरह से हमारी तिल की चिक्की बनकर तैयार है, या आप गजक कह लीजिए। तो दिखाती हूँ कितनी कड़क बनी है, एकदम बहुत बढ़िया बनी है, देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया बनी है, एकदम कड़क। हमारी तिल की चिक्की, तिल की गजक बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए। धन्यवाद।